जय सेवालाल सेवा भावी संस्था के संस्थापक और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रभु बंसी चौहान के माध्यम से बंजारा समाज के आराध्य देव संत सेवालाल महाराज की 282वीं जयंती 14 फरवरी को जय सेवालाल सेवा भावी संस्था तुर्बे द्वारा हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें मुख्य तौर पर बंजारा संस्कृति के पहनावे, उनके पारंपरिक नृत्य व गाने से कार्यक्रम को सुशोभित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एरोली विधानसभा के विधायक गणेश नाइक, पूर्व सांसद संजीव नाइक, नवी मुंबई जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरात, पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत, पनवेल महानगर पालिका के उप महापौर जगदीश गायकवाड़, स्थानीय नगर सेविका शशिकला ताई पाटिल, युवा नेता वैभव नाइक और अन्य अतिथियों का सम्मान आयोजक प्रभु चौहान के हाथों किया गया। बता दें, संत सेवालाल महाराज की जयंती के साथ साथ स्थानीय नगर सेविका शशिकला ताई पाटिल का जन्मदिन भी वहां पर उपस्थित अतिथियों ने मिलकर मनाया। इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए विधायक गणेश नाइक ने कहा, आने वाले समय में 2 प्रतिनिधि बंजारा समाज का होगा, साथ ही साथ जय सेवालाल महाराज भवन का निर्माण, संत सेवालाल महाराज चौक का निर्माण और झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्रकल्प के तहत बंजारा समाज के लिए 200 घर बनाने का आश्वासन दिया। या बंजारा समाज चे 200 घरांची वस्ती आहे। 2 वर्ष याचा पाठिंबा लागून आज त्या जागेत इष्टी आहे। आणि आमचे प्रिय मित्र वास्तुशास्त्र मिलिंद पवार साहेब, ही जागा तुमच्या आशीर्वादाने झोपडपट्टी पूर्णवसन एसआरए मध्ये आम्ही ही स्कीम घेतलेली आहे दादा। आणि 200 लोकांचे घर रात दिवस मध्ये, तुम्ही एक डायलॉग मारला होता मध्ये, मी पण आलो होतो कार्यक्रमाला राजू शिंदे साहेबाच्या, कोई गुंडा रहेगा तो मुझे फोन करो 12 बजे, मैं आऊंगा। त्यावेळी झाले भरपूर झाले, लपडे झाले, दुश्मनी झाली, धमक्या आल्या। दादा घाबरलो नाही, बंजारा समाजासाठी नाही घाबरलो, माझा जीव जाईल पण बंजारासाठी मी रक्त होईल पण घाबरणार नाही। दादा, आमच्या नवी मुंबई मध्ये सर्व समाजासाठी कन्नड भवन, वडार भवन, अजून कुठले कुठले भवन आहेत, पण आमच्या बंजारा समाजाचं नवी मुंबई एक संत सेवाल महाराज भवन नाही। दादा, तुमच्या कपडाशोधांनी आम्हाला नवी मुंबईमध्ये कुठंतरी बसण्यासाठी आज आमच्या संत सेवालाल महाराजची जागा काही आम्हाला बघा कुठं आम्ही बसलेलो, ही जागा इथं लोक बसायला जागा नाही आम्हाला दादा, आम्हाला सेवालाल महाराजची जयंती करण्यासाठी जागा नाही बसायला, आम्ही कुठं जायचं दादा, जयंती करणार कुठं? तर दादा, आम्हाला बंजारा समाजासाठी लग्न हॉल, एक सेवालाल महाराज जयंतीसाठी हॉल, गोरगरीबांचं एक लग्न होईल त्या कार्यक्रममध्ये, त्यासाठी एक आमची मागणी आहे। आणि दादा, आम्ही तुम्हाला एक वचन देतो, बेलापूर पासून तर दिघापर्यंत माझ्याकडे मध्यरादी कच्चा, पण मध्यरादी मध्ये नव्हतं फाईल कच्चा। दादा, नवी मुंबईमध्ये बेलापूर ते दिघा मतदार यादीमध्ये 24,780 आमचे बंजारा समाज नवी मुंबईमध्ये आहे, 24,780 हा प्रभू चौहानने काउंट केलेले यादी विधी, तुम्ही मला उद्या मागा, मी कॅशला घेऊन येईल साहेब। परत आता इलेक्शनमध्ये काहीतरी 1,000, 2,000, 3,000 काहीतरी यादी वाढली असतील, त्याचा काउंट नाही माझ्याकडे दादा। आज महिनाभरामध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेचं इलेक्शन लागलेलं आहे दादा, पूर्ण बंजारा समाज, आई असो चाळी असो सोसायटी असो, आम्ही पूर्ण बंजारा समाज पूर्ण फिरणार दादा तुमच्यासाठी। नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये बंजारा समाजचा एक वोट कुठे जाणार नाही, पूर्ण बंजारा समाज दादा फक्त तुम्हाला वोटिंग होणार। आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कमलचा झेंडा आम्ही फडकून दाखवणार, बंजारा समाज एकत्र येणार, त्यासाठी काय पण करायला मी
बंजारा समाज एक अन एक बंजारा समाज लमी बोलने लो है कोनी बकरा बोटी दारू बाटली जाइच नहीं कुटा काय लागेल माझ्याकडे घेऊन जा मी देईन तुम्हाला कोणाकडे भीक मागायला जायचं नाही कोणाकडे अपेक्षा करायची नाही तुम्हाला काय लागेल मी देईन पण कोणी तुम्हाला सांगेल बकरा देतो बाटली देतो 2000 देतो 5000 देतो अजिबात घ्यायचं नाही तुम्हाला काय पैसे लागेल प्रभू चव्हाण मी तर बसलेलो आधी रात्री मला फोन करा मी तुमच्यासाठी धावून येईल दादा अजून एक मागणी आहे माझी एक छोटीशी मागणी आहे नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये दादा इलेक्शन आहे आमच्या बंधारासाठी 1-2-3 जागा मिळावी ही माझी छोटीशी विनंती आहे जसं स्वीकृत नगरसेवक म्हणा परिवहनमध्ये म्हणा तर आमचे बंधाऱ्याचे लोक शिकलेले आहेत भरपूर शिकलेले लोक आहेत त्यांना नोकरी नाही दादा ते पण दादा विचार करा आणि दादा अरंजा सर्कल सेक्टर 17 अरंजा सर्कल सेक्टर 17 आमची अशी मागणी आहे की ती चौकचं नाव संत सेवालाल महाराज मिळावा ही माझी विनंती आहे अरंजा सर्कल मोठा सर्कल आहे पूर्ण नवी मुंबईचे लोक त्या रोडने येणं जाणं आहे तर दादा अरंजा सर्कलला संत सेवालाल महाराज चौक नामकरण मिळावा ही आमची कळकळीची विनंती आहे माझे दोन शब्द संबोधतो जय जय महाराज जय सेवालाल महाराजांच्या आजच्या या जयंतीनिमित्त या जयंतीनिमित्त उपस्थित कार्यक्रमासाठी या आपल्या सगळ्या बंजारी समाजाचे कैराव कैवारी आणि ऐरोली मतदारसंघाचे आमदार श्रीयुत दादा गणेशजी नाईक साहेब आपल्या या नवंबरमध्ये आज पाहुणे म्हणून आलेले माझे मित्र पनवेलचे उपमहापौर श्रीयुत जगदीश गायकवाडजी इथे उपस्थित आपल्या नवंबरचे विरोधी पक्ष माजी विरोधी पक्ष नेते दशरथजी भगतसाहेब इथे उपस्थित माजी नगरसेवक श्री अमृत मेडकर इथे उपस्थित राजन शिंदेजी इथे उपस्थित इंग्लेजी इथे उपस्थित निशांत पाटीलजी नगरसेविका शशिकला ताई उपस्थित आदरणीय व्यासपीठ आणि समोर बसलेले बंजारी समाजाचे बंधू आणि भगिनी दादा खऱ्या अर्थाने जयंतीनिमित्त आपण इथे आलात पण मला सांगा असं वाटत की हा बंजारा समाज आणि अनेक असे समाज आहेत दादा की जे तुमच्या बरोबर ठामपणे उभे आहेत त्यातला हा एक समाज आहे बंजारी समाज हा अतिशय ठामपणे दादा तुमच्या समोर तुमच्यासाठी तुमच्या मागे उभा आहे असं मी अनुभवलेलं आहे म्हणून मला वाटतं की हा जो समाज आहे या समाजाला कोणीही कितीही काहीही सांगितलं तरी ते दादा गणेशजी नाईक साहेब त्या बंजाऱ्यांचा एकच दादा गणेश दादा अशा प्रकारचं इथं वातावरण आहे दादा नवंबर महानगरपालिकेचे इलेक्शन होऊ घातलेत आपण हावरात्र काम करतायत आम्ही देखील काम करतोय नवंबर फिरतोय तुमच्या बरोबर फिरतोय दादा या सगळ्या सर्वेमध्ये 68 पुलांची माल बनलेलीच आहे त्याच्यामुळे दादा अजून एक 20 फुलं येत आहेत आणि या 2-4 दिवसामध्ये ती 20 फुलं देखील आपल्या या माळेमध्ये येतील आणि ती महापौराची माल दादा आम्ही तुम्हाला अर्पण करणार आहोत असं मला इथे आवर्जून सांगावं असं वाटतं आणि येणाऱ्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीचाच महापौर असणार आहे याच्या खऱ्या अर्थाने जर कोण याचा या असेल कैवारी असेल तर तो दादा गणेशजी नाईक साहेब असेल असं मला ठणकावून सांगावं वाटेल कारण मी या मतदारसंघामध्ये लढत असताना दादा हा जो समाज आहे हा समाज फक्त तुमच्या आणि तुमच्याच बरोबर आहे याचा अनुभव मी घेतलेला आहे म्हणून हा समाज कायम तुमच्या बरोबर राहील प्रभूने जे आत्ता वक्तव्य केलं अतिशय भावनिक होऊन वक्तव्य केलं आणि खरंच आहे दादा की ह्या शिवालाल भवनची खरंच गरज आहे कारण मी बंजारी समाजांच्या प्रत्येक प्रोग्राममध्ये जातो त्यांची व्यथा ऐकतो त्यांचे असणाऱ्या गरिबीकडे पाहतो की त्यांना लग्न करण्यासाठी ज्या काही गोष्टी लागतात त्यासाठी एक सेवा भवन जर असेल तर त्यांचं काम होईल त्यांचं स्वस्थात काम होईल आणि अशा प्रकारचं काम तुमच्या हातून नक्कीच होईल असं मला वाटतं कारण
तुमची विचारसरणी मी गेले कित्येक दिवस ऐकतोय आणि एक अतिशय सकारात्मक अशी विचारसरणी जे बुजुर्ग लोक देतात, जे चांगले लोक असतात, चांगले विचाराचे असतात, त्याच विचाराची सरणी तुमच्यामध्ये आहे आणि म्हणूनच तुम्ही या सगळ्या लोकांचे प्रिय आहात. दादा पुन्हा एकदा, आज टाइम खूप झालेला आहे, आपल्याला अजून दोन लग्न करायची आहेत आणि अशा प्रकारे लोक तुमच्या बरोबर तुमची वाट बघत आहेत, म्हणून मी आज थोडक्यात बोलतोय. येणाऱ्या काळामध्ये जर चान्स मिळाला तर दादा एक तासभर तुमच्यावर मी बोलणार आहे, कारण वर्षभर मी तुम्हाला ऐकलेलं आहे, तुमच्या ज्या विनम्र भावना आहेत त्या मी वर्षभर ऐकल्यात, त्या मला बाहेर काढायच्या आहेत आणि म्हणून मला एक व्यासपीठ हवं आहे. आज जरा खूप वेळ झालेली आहे दादा, मी इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बंजारा. तो ऐसे बंजारा समाज के जो आदरणीय यानी जिनको सम्मान अपने दिलों में लोगों ने दिया, वो संत सेवालाल महाराज के विचारधारा के साथ ये समाज आगे आगे बढ़ रहा है. शायद मैं इसी मंच को मैंने गत वर्ष में बताया था कि वसंतराव नाईक जी के पुत्र अविनाश नाईक, ये मेरे 1985 से दोस्त है, 15 साल और ये 35 साल से तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया में वनराज करके उनकी एक फैक्ट्री थी, वनराज. अभी जब ध्यान करो तो राज्य ने बाकी है, उधर मेरी यूनियन थी. और अविनाश डिक्टो वसंतराव नाईक के विचार जैसा, उसके उनके स्वभाव जैसा, मितवासी, बहुत शांति, फॉरेन में पड़ा हुआ है, बिस्कैंडी में रहता है, लेकिन इतना विनम्र है. आप लोग को मिलते हैं कि नहीं उनको, अविनाश नाईक को? एक दिन भाई नई मुंबई में उसको बुलाऊंगा उनको, और उनका सम्मान करेंगे. तुम लोगों को भी खुशी लगेगी कि भाई जिनका सम्मान हम हमारे सेवालाल महाराज के साथ में करते हैं, वो वसंतराव नाईक जी का पुत्र अविनाश नाईक, नाईक साहब के कहने से हमारे सब दर्शन करने के लिए आया है. मैं उनको पक्का बुलाऊंगा. अभी यहाँ पे बंसी जिनको मैं तो हमेशा प्रभु बंसी, तो ये प्रभु बंसी, प्रभु है ना भगवान, भगवान की बंसी, मैंने बंसी का भगवान. यहाँ पे तूने दुख जताया कि भाई सबके भवन हो गए, इतना दुख मत मानो, गुस्सा मत करो. ये डीपी प्लान में सेवालाल महाराज का भवन का प्लानिंग दिया गया है. जैसे ये महानगर पालिका का इलेक्शन हो जाएगा, शायद एक 8 दिन पहले सिडको भवन में मैं गया था, सिडको के MD जो संजय मुखर्जी जी है, अपने आयुक्त रामचंद्र, तुम होता क्या, तुम्हें रामचंद्र था, अभिजीत वांगर जी थे, और जो नई मुंबई महानगर पालिका को जो प्लॉट मिलने हैं वो सब प्लॉट देने के लिए उनको मैंने सुझाव दिया है. जल्द से जल्द वो प्लॉट मिलेंगे. वो प्लॉट में से एक प्लॉट संत सेवालाल महाराज के भवन के लिए रहे. और ये कौन सा चौक बोला तुमने, आरेंजा से, उसका नाम ही आरेंजा सर्कल हुआ है. सुने तो जो पुरानी चीज है वो अपन ने वापरने की, अपन एक अच्छा सर्कल ढूंढेंगे या ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे कि जहां पे सेवालाल महाराज का नाम देंगे. यानी ब्रांड न्यू यूज किया हुआ कपड़ा सेवालाल महाराज के नाम से नहीं देने, देने का भले छोटा भी होगा लेकिन प्योर होना चाहिए, प्योर. अभी रामचंद्र गरज जी ने, जगदीश गायकवाड़ जी ने, दशरथ भगत जी ने मेरे, देखिए बात ऐसी कि मैं प्यार का भूखा हूं, खाना नहीं मिलेगा, हार नहीं मिलेगा, जिंदाबाद की जरूरत नहीं, खाली निगाह में प्यार, आंखों में प्यार होना चाहिए, बस गणेश नायक तुम्हारा. जैसे जगदीश गायकवाड़ जी ने बोला कि यार ये बात सच है कि मेरी उम्र की 20 साल में, तो 16 साल में मैं समाज सेवा शुरू किया, लेकिन 20 साल के बाद में मैं जो समाज नीति और राजनीति गतिमान करते गया, मेरे निगाह में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, सिख एक समान निगाह से मैंने देखा. एक हरी का लाल भी बोलेगा कि दादा ने 19-20 किया, मैं पूरी जिंदगी छोड़ दूंगा. अन्याय करने वाला हाथ
कौन सा भी धर्म का हो, कौन से भी भाषा का हो, रिश्ते नाते का भी हो, वो हाथ रोकने की ताकत गणेश नाइक में आज भी है और रोका जाएगा। अभी राजनीति के दिन में ये नगर सेवक पद आज है कल नहीं, सभापति पद, उप महापौर, महापौर, आमदार, खासदार, राज्य मंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी पोजीशन न हो लेकिन लोग अपने को अच्छे निगाह से देखिए, वो सबसे बड़ा पद है और वो गणेश नायक के पास है। ये तकलादू पद की मुझे कोई जरूरत नहीं है और वो तकलादू पद पाने के लिए इतने कितने झूठे वादे करना, लोगों को गुमराह करना, लोगों में दरार करना, ये पाप हमसे नहीं होगा। हमने जो बिखरे हुए लोग उनको साथ में लेके आने का मैंने प्रयास किया, उनमें जो दुर्गुण हो गए दुर्गुण को बाहर निकालने का हमने काम किया है। जो हमारे साथ रहे उनका तो जिंदाबाद है, लेकिन जो गए उनका मुर्दाबाद हमने नहीं किया और नहीं करूंगा, जरूरत नहीं आने पर। सेवालाल महाराज से बोलूंगा इनका भी भला कर, और सेवालाल महाराज उनके कर्मों में जो बाधा है वो कर्म की जो रॉन्ग सिस्टम को निकाल देगा, और सेवालाल महाराज उनको भी अच्छे दिन देगा, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो आज दो सेवालाल महाराज की जयंती और शशिकला पटेल मैडम का जन्मदिन, ये दोनों जयंती और जन्मदिन एक ही है। कितनी भाग्यवान है हमारी शशिकला मैडम कि सेवालाल महाराज के जन्मदिन में उनका जन्म हुआ, इसके इतना बड़ा पुण्य किसको नहीं मिलता। प्रभु तू डरो मत, अभी ये इलेक्शन में दो टिकट तो बंजारा समाज को मिल ही गया और स्वीकृत में भी परिवहन समिति में भी और प्रभाग समिति में भी, जो यानी मैं मुझे एक बार इतने उनसे धर्म के जात के पंथ के कितने लोग हैं, उनका रेशो कैसा है, सबको पूरा एडजस्ट करा के हर इंसान को लगना चाहिए कि नई मुंबई महापालिका हमारी है, ये शहर हमारा है, ये भावना उनके मन में होने के लिए जो करना है वो पक्का करूंगा। आज मुझे बुलाया मेरे सब साथी लोगों का, आप लोगों ने सम्मान किया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। ठीक है, आज प्रभु बंसी के माध्यम से यहाँ पे मैं आया था संत सेवालाल जयंती के लिए। यहाँ पे हमारे प्रभु ने मांग की है कि बंजारा समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो मैंने पक्का डिसाइड के बंजारा समाज को दो टिकट देने का पार्टी से उसके लिए मान्यता हम लोग लेके आएंगे। आगे चल के स्वीकृत सदस्य में भी मौका मिले तो उधर भी कोई जाएगा, परिवहन में भी जा सकता है, प्रभाग समिति भी जा सकता है, और अच्छे काम करने वाले लोग हैं और दिल से प्यार करने वाले लोग हैं, खुले मन के लोग हैं। ये लोगों को खाली ये पोजीशन तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि उनको हमारे दिल में हम लोगों ने स्थान दिया है, अच्छे प्यार करने वाले और अच्छे वादे को निभाने वाले। इधर सेवालाल महाराज का भवन भी बनेगा, वो डीपी प्लान में जो प्लॉट मिलने वाले हैं और जो डिमांड की गई है उसमें सेवालाल महाराज के भवन का उल्लेख भी है। आगे चल के खाली भवन के साथ में कोई अच्छा मार्ग होगा, वो मार्ग को भी सेवालाल महाराज का नाम देने का हम प्रयास करेंगे। और आज के तारीख में नई मुंबई का पूरा समाज, जैसे मैं शांति से बोल रहा हूँ कि हिंदू तो ही है, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चन, जैन, सिख, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश, महाराष्ट्र के बाहर के और प्रादेशिक जो लोग हैं, ढोपट्टी में रहने वाले, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, सभी ने मन में अपने पक्का किया है कि जैसे 2500 दादा को अपना समर्थन दिया है, उसी कड़ी में
आगे भी समर्थन देने की बात उनके मुँह से निकल रही है और खुलेआम वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो ताकत जो मिलेगी वो ताकत से नई मुंबई की पूरी जनता की सेवा करने का हमारे नगर सेवक के माध्यम से काम होगा। उनको मार्गदर्शन करने का जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ पे महापौर भी भारतीय जनता पक्ष का बनेगा, ऐसे मैंने शहर की जनता बनी और आज इस कार्यक्रम में प्रभु बंसी चव्हाण ने हमें सब लोग को बुलाया और हमारे शशिकला पाटिल मैडम का आज जन्मदिन था, उनको भी केक काट के उनका सम्मान करने का मौका मिला, ये सबसे बड़ी खुशी की। एसआरए को लेकर भी आज आपके हाथों में हाथों से उसका अनावरण किया जाए, ये योजना यहाँ पे आने वाली है प्रभु चव्हाण जी की संकल्प। देखिए बात ऐसी कि लड़ाई होने वाली है तो घोड़े की तैयारी पहले से प्रभु चव्हाण ने की और उसको मेरा पूरा समर्थन। दादा अब जनता के बीच के डॉन हो, गुंडागर्दी मिटाने वाले डॉन हो, ऐसी भावना कार्यकर्ताओं ने व्यक्त की, तो ये डॉन जो सज्ञा है उसके बारे में क्या? देखिए बात ऐसी कि इंटरनेशनली डॉन ये यानी मसल पावर होने वाले इंसान को कहते हैं। मसल पावर जो लोगों के हिफाजत में यूटिलाइज होते हैं उसको रक्षक करता वो डॉन, वो अपने अपने इरादों को पूरा करने के लिए जो मस्ती करके जो प्लान करते हैं डॉन के। अभी हमारे दशरथ धवन पूर्वक उनके मन की भावना शुद्ध है, मन उनका बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने वो इंटरनेशनली जो घूमने वाले जो डॉन है वो गणेश नायक को पहचानते हैं। इसका मतलब मेरा कहने का यही था कि भाई गणेश नायक की जो विचारधारा हिंदू मुसलमान बौद्ध क्रिश्चियन जैन सिख सभी धर्म जात पंथ वर्ण को लेके इंसानियत की पूजा करने की विचारधारा मेरी है और वो सब डॉन लोगों को मालूम है, इसलिए वो डॉन लोग हमारे मसल पावर से डरते ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। हमारे पास बारूद है, पिस्तौल है, गन है, वो मेरे कहने का मतलब हमारी जो नैतिकता है, जो हमारी विचारधारा है, वो विचारधारा उनको अवगत है और जो जिनकी विचारधारा पवित्र रहती है उनके सामने भले भले शक्तिमान लोग भी शक्तिहीन हो जाते हैं। उस दिन मेरे कहने का वो मतलब, और उस दिन मैंने ये भी बोला था कि भाई जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो वो स्कूल का मैं हेडमास्टर हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आउट ट्रैक में गए जो स्टूडेंट हैं उनको सुधारने के लिए जो स्कूल बनाई है तो उनका टीचर तो काम करेगा करेगा, लेकिन जब टीचर से नहीं बनेगा तो हेडमास्टर का काम मैं करूँगा। उनको अच्छे संस्कार देके उनमें जो बुराई है वो निकालने का काम जिस स्कूल का मैं हेडमास्टर हूँ वो स्कूल करेगा, ये मेरा कहने का मतलब था। लेकिन कई लोगों ने उसको अदरवाइज लिया, चलो वादा ने आज कल उन्होंने उनके दिमाग में गलत फहमी हो गई, आज मैं कहता हूँ आपके माध्यम से वो सुधर गए। दोस्ती 82वीं जयंती है आज, आप देखे हो ये मैदान में जगह नहीं है बैठने की। हमारे बंजारा समाज के जो लोग हैं आइए जयंती करने के लिए ये जगह कम बढ़िया, तो वही हमारे दादा से वही मांगनी थी कि बाकी समाज के वडार भवन बोलो, अंबेडकर भवन बोलो, उड़ीसा भवन, केरला भवन, तमिल भवन, सब भवन है, तो हमारे बंजार हमारे बंजारी समाज के क्यों नहीं है, क्या कारण? तो वही दादा को बोले कि दादा कि हमारा समाज का एक लग्न हॉल, एक जवाहरलाल जयंती करने एक भवन मिलनी चाहिए, इसके लिए हमने ये दादा को अपेक्षा की, ये मांगनी की। अभी आदरणीय दादा ने बोला है कि नई मुंबई में से 2 टिकट बंजारा समाज को देंगे और स्वीकृति नगर सेवक के लिए भी बोले हैं, परिवहन समिति सदस्य के लिए भी बोले हैं,
अभी हम तो सब तन मन धन लगा के मेहनत करके ये इलेक्शन दादा को हम लोग प्रयास करके नवी मुंबई महानगर पालिका में कमल का झंडा फड़काने का काम हम जरूर करने वाले हैं। इस प्रभाग में विरोधकों की आप लगी हुई है, अलग अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या भूमिका? क्या बताएं मैडम, विरोधक हाँ। तो ये प्रभाग में अपना अस्तित्व निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को लोभ दिखा रहे हैं, लालच दिखा रहे हैं, ये बात अपने अपने भाषण में की है। देखो मैडम, लालच दिखाने तो बहुत दिखाते हैं, हम ये करेंगे वो देंगे, ये करेंगे वो करके देंगे, वो करके देंगे। नवी मुंबई महानगर पालिका में जो नवी मुंबई का नेता बोलते हैं ना, लोक नेता, जो आज लोक नेता जो बोलते हैं नवी मुंबई में, जो गणेश जो नाइक जो आज जो काम किया है नवी मुंबई में, आप देखो नवी मुंबई महानगर वाले लोग आज नवी मुंबई सुखी रहते, आराम से सोते। विरोधकों को आपको लगता है मनसूबे पूरे हो पाएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आपके प्रभाव में बीजेपी की लहर रहे, इसलिए आपकी क्या कोशिश? हम मेहनत करेंगे, दादा जो बोलेंगे वो बीजेपी की सीट को हम जिता के देंगे और बाकी जवाबदारी भी देंगे, तो पूरा जवाबदारी भी हम लेंगे। मिलिंद पवार जी के माध्यम से जो आप यहाँ पे योजना देखिए मैडम, जो झोपड़पट्टी टूटी है नवी मुंबई के महानगर पालिका के माध्यम से श्रमिकों को दबाव लेके 1995 की जो झोपड़पट्टी है उनके पास लाइट बिल है, पानी बिल है, घर पट्टी है, सब कुछ है, कार है, वो सर्वे कार्ड भी है, इसी के दबाव में वो झोपड़ा पट्टी हमारा बंजारा लोग का टूटा गया है, उसको हमने विरोध करके उसी जगह पे हमने सड़कों को एक नोटिस भेज के हमने उसके ऊपर केस की गई है, वो जगह पे आज स्टे है, सड़कों को पार्टी बना के उसको कोर्ट स्टे लाए हैं। हमारी कोशिश है, हमारी मांगनी है, केस तो हम जीतेंगे और वो जगह पे हम झोपड़ी बांधेंगे नहीं, हम उसको बिल्डिंग बनाएंगे, पूर्ण विकास में ऐसा रहा स्कीम।